दोस्तों मुनव्वर एक ऐसा बंदा है जिसके पीछे कहीं ना कहीं लोग हाथ धोकर पड़ गए हैं। और ये बात तो क्लियर है कि जब कुछ नहीं मिल पा रहा है डिफेम करने के लिए, और जब किसी भी चीज़ पे, समझ रहे हो आप, मतलब जब बाकी सभी चीज़ों से हार जा रहे हैं, तो रिलीजन वाला कार्ड जो है वो बीच में लाया जा रहा है मुनव्वर को लेकर, और बहुत अलग अलग तरीके से बहुत गलत गलत चीज़ें कही जा रही हैं। इसके बाद शायद करण कुंद्रा ने इस चीज़ पर रिप्लाई देने की ठानी है। और क्या कहा है करण ने, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। फिलहाल आपको बता दूं कि करण कुंद्रा जो है वो बिग बॉस के घर के अंदर जाने वाले हैं सेलिब्रिटी एज अ सेलिब्रिटी सपोर्ट फॉर मुनव्वर। और आपको बता दूं कि इसके पहले वो मुनव्वर को ऑलरेडी जानते हैं, उनके साथ लॉकअप जो है वो कर चुके हैं। तो करण अंदर तो जाने वाले हैं, बट अंदर जाने से पहले उन्होंने किसी को ऐसा बिफिटिंग रिप्लाई दिया है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी होने की, बिकॉज बहुत ज़्यादा ये कार्ड खेला जा रहा है सोशल मीडिया पर। मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो, ये ट्वीट है करण कुंद्रा का। इसमें करण ने बहुत क्लियरली लिखा कि धर्म अधर्म की बातें ट्विटर पे पीलने वालों, कुंद्रा अपना धर्म अच्छे से समझता है इसलिए दिए वादे पे खड़ा है। मेरे धर्म ने मुझे यही सिखाया है, और जिस धर्म की आड़ में आप अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हो, न्यूट्रल ऑडियंस भी वही देख रही है, तो चिंता मत करो, अपनी क्लिनिक चलाओ। जिसके बाद भाई लोगों ने बहुत क्लियरली ऐसा लिखना शुरू कर दिया है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, लव यू करण भाई। उसके बाद कोई लिख रहा है कि ये होता है भाईचारा ऑन टॉप, हैशटैग मुनव्वर फारूक के, हैशटैग करण कुंद्रा। उसके बाद तो कोई लिख रहा है कि भाई गजब लताड़ा है भाई ने हेटर्स को, और इसी चीज़ की ज़रूरत थी। फिर उसके बाद कोई लिख रहा है कि भाई ये इसी चीज़ की तो ज़रूरत है, करण कुंद्रा एक्स मुनव्वर फारूकी, यही तो देखने में मज़ा आएगा हमको सोशल मीडिया पर। फिलहाल दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आपका कहना चाहेंगे इस बारे में, ज़रूर बताएगा हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो पे, धन्यवाद।